और सब गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की डिमांड को देख के और आपकी जो है कमेंट्स को देखते हुए हमने जो है अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में जो है गाइस अपना आपका फेवरेट यानी कि डिमांड आपकी फेवरेट डिमांड जो है भाई मड लोडर को गेम में ऐड कर दिया है। और आज की वीडियो में जो है मैं आपको मड लोडर दिखाने वाला हूँ कि गाइस कैसा क्या बना हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि भाई हार्वेस्टर जो है ये आपको गेम में कब मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस उसी के साथ साथ में जो है आपको सबसे पहले अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं मड लोडर भाई आपको दिखाता हूँ मैं कि भाई कैसा बना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली मड लोडर ऐड तो हो चुका है गेम में। तो भाई मड लोडर जो है भाई आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ भाई, इधर में नहीं अपने पास में आगे में चल के आपको लेके भी दिखाते हैं, साथ ही साथ में वो काम कैसा करता है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो में अंत तक बने रहना कहना चाहूँगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को भी लाइक कर दो। चलिए एक वीडियो की शानदार सी शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं मड लोडर भाई कैसा बना है और कैसा क्या सिस्टम है मड लोडर का, ठीक है गाइस। तो भाई सबसे पहले तो अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अपडेट में जो है गाइस टोटली आने वाली है अपनी भाई 9 कार्स आने वाली है। 9 कार में जो है जी वैगन हो गई, मस्टैंग हो गई, उसके साथ साथ में पोर्च हो गई, पोर्च के साथ साथ में गाइस जो है रेंज रोवर भी कार आने वाली है, रेंज रोवर। एंड उसी के साथ साथ में एक दो कार और है जिनका मॉडल अभी बनना रेडी बाकी है, जो मॉडल है वो रेडी होना बाकी है। एंड भाई अब अगले चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई जो अपनी इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम है इसमें जो है गाइस अपडेट है 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो आप बता देना आपको कौन सा पार्ट चाहिए भाई, फार्मिंग वाला चाहिए या फिर गाइस पूरा साथ में चाहिए व्हीकल्स फार्मिंग। तो इस चीज़ के बारे में जो है आपको कमेंट करना है भरपूर, आपको डिमांड करके बताना है। हार्वेस्टर आप अपने गेम में कैसे ले सकते हैं वो भी बता देता हूँ। कैसे हार्वेस्टर लेने के लिए जो है हम जो अपडेट दे देंगे आपको, तो कैसे अपडेट जैसे आप फिर कर लोगे अपने मोबाइल से तो जो है आपके पास में जो है हार्वेस्टर आ जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टर की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब आपके पास में अपडेट आ जाएगा तो आप अपडेट कर लेना एंड देन फिर आपके पास में हार्वेस्टर जो है गाइस आ जाएगा। तो गाइस अब बिना देरी करके मैं आपको दिखाता हूँ मड लोडर। तो गाइस मड लोडर को दिखाने के लिए हम एक परफेक्ट जगह पे चली जाते हैं जहाँ पे जो है हम मड लोडर को यूज़ कर सके। तो गाइस मैं लिफ्ट को ऊपर कर दिया, लिफ्ट को बंद कर दिया हूँ, यानी कि अपने जो सामने का कटर है ना भाई उसको बंद कर दिया हूँ। चलते हैं गाइस अपने पेट्रोल पंप की तरफ में एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताते हैं सारी डिटेल कि क्या है अपनी जो है हार्वेस्टर सॉरी गाइस मड लोडर की जो है कैसी डिटेल है, कैसा दिखता है एंड जो है वर्क कैसा करता है। तो गाइस फाइनली यार ऐड तो हो गया है भाई, कम से कम ऐड तो हो गया भाई गेम में। जो है बहुत मेहनत लगी यानी कि मड लोडर को ऐड करने में एंड फाइनली जो है मड लोडर वर्किंग वाला मड लोडर हमने ऐड कर दिया है। लेकिन गाइस उसी के साथ साथ मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो ये वाले खेत में जो हार्वेस्टर है गाइस ये जो है वर्क कर रहा है यानी, ठीक है। तो भाई ये देखो मैंने लिफ्ट को पूरी नीचे कर दिया हूँ एंड गाइस देखो यार अब चालू कर देते हैं हार्वेस्टर को। तो गाइस ये मैंने हार्वेस्टर को जो है ऑन कर दिया हूँ और भाई देख सकते हो आप भाई हार्वेस्टर जो है अपने ही खेत में काम करता है, दूसरों के खेत में काम नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस आप सोचोगे कि भाई हर खेत में काम करेगा तो ऐसा नहीं है, फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि भाई हमारे खेत में तो हार्वेस्टर काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे गेम में दूसरे खेतों में काम नहीं कर रहा है, बस सामने एक ही खेत में काम कर रहा है। तो गाइस हार्वेस्टर जो है वो एक ही खेत में काम करेगा, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं भाई मड लोडर कैसा दिखता है। तो गाइस मड लोडर फाइनली गेम में ऐड तो हो चुका है और सामने में बस मड लोडर आने वाला है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस अपना थोड़ा भाई सेटलमेंट कर लेते हैं फिर मैं आपको मड लोडर दिखाता हूँ कि मड लोडर गाइस कैसा क्या दिखता है। एंड इसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा गाइस सबसे पहले तो ट्रैक्टर। तो गाइस मड लोडर दिखाने से पहले मैं ट्रैक्टर ले लेता हूँ और गाइस मॉडिफाई कर लेते हैं यार ट्रैक्टर को। मॉडिफाई ट्रैक्टर में आप मड लोडर देखने वाले गाइस फाइनली जो है मड लोडर को यार ऐड तो करने में बहुत मेहनत लगी हमको, लेकिन गाइस आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मड लोडर को लेके कि गाइस हमको जो है मड लोडर गेम में ऐड करना ही पड़ा। तो गाइस फाइनली हमने मड लोडर ऐड तो कर दिया है कम से कम। अब भाई जो है हम अपने जो कहना चाहिए तो ये जो स्वराज 855 ट्रैक्टर को जो हमारा डायनासोर ट्रैक्टर है इसको हम जो है मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने के बाद में जो है गाइस मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि भाई मड लोडर इसमें कैसा लगता है, लगा के दिखाता हूँ भाई। येलो कलर का मड लोडर है जो कि आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा। तो भाई मैंने इसी ट्रैक्टर के पीछे में लगाया था शायद हो गया, मैंने इसी ट्रैक्टर के पीछे में लगाया था गाइस। तो मैं मुझे याद नहीं यार मैं थंबनेल में कौन सी फ़ोटो के लिए यानी कि क्लिक किया हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं और एक टॉपिक के बारे में जो कि गाइस अपडेट से रिलेटेड, अपडेट की डेट कब की है। तो गाइस अपडेट की कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है फाइनली गाइस। अपडेट की जो डेट है वो भाई अपनी गाइस अपडेट की जो डेट है वो निकल के आई है गाइस अपनी जो है अगले मंथ के 10 तारीख के 15 तारीख तक आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा गाइस। 15 तारीख थी तो 15 तारीख को आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में। तो गाइस अपडेट की डेट बताने के लिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
तब मैंने यार आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पे अपने यानी कि चैनल पे जो है अपडेट की डेट बताई, बाकी किसी यूट्यूबर ने आपको जो है अपडेट की डेट नहीं बताई होगी, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। ठीक है तो भाई जाओ और भाई जाके मेरे चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करो गाइस, और आपकी डिमांड शेयर करो, मैं डिमांड के ऊपर आपकी वीडियो लेके आते जाऊंगा। ठीक है नया चैनल है गाइस, फटफट अब मेरे को भाई 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, फट से सपोर्ट करो यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है तो गाइस मैं जो यूजुअली डीबी गेमर फाइटर भाई का जो है भाई हूँ, डीबी गेमर फाइटर जो है उसका ही भाई हूँ। ठीक है तो गाइस उसके चैनल से आप आए हो तो भाई फुल सपोर्ट दिखाओ, जैसे भाई उस चैनल को दिखाते हो उसी टाइप से, तो गाइस फुल टू फुल सपोर्ट दिखाना चाहिए। अब दिखाते हैं आपको मड लोडर अपने भाई कैसा दिखता है। तो गाइस मड लोडर दिखाने से पहले और एक चीज़ मैं करना चाहूँगा भाई, ये जो आप देख रहे हो सामने में यहाँ पे गाइस जो है मैं मड लोडर को भाई क्या करना चाहूँगा भाई, मड लोडर पे भाई थोड़ी बहुत आपको डिटेलिंग करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं चली जाता हूँ एक जगह पे जहाँ पे जो है मड लोडर हल्का वर्क करता है, जो कि गाइस अपनी इधर में तो आपको नहीं मिलेगी, बस भाई थोड़ा आगे में ही चलते हैं और आपको एक झोपड़ी टाइप की दिख रही होगी, बस गाइस झोपड़ी के आगे में ही वह चीज़ है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलते हैं फटफट वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ मैं कि मड लोडर कैसा वर्क करता है। ठीक है गाइस तो मड लोडर कैसा वर्क करता है ये भी आपको पता चलने वाला है। तो गाइस बाकी यहाँ पे देख सकते हो अभी मैंने ये धान में टेस्ट किया था, तो अपने जो है वर्क नहीं कर रहा था जो हार्वेस्टर है, जो मैंने अभी यही को जो टेस्ट किया था, तो क्योंकि मड लोडर भाई अब मैं यहाँ पे जो है मड लोडर आपको लेके दिखा देता हूँ। बट गाइस वो जो जगह है ये थोड़ी दूर है भाई, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा दूर ही है कहना चाहिए, तो ज़्यादा भी नहीं है लेकिन गाइस थोड़ी बहुत है, जैसे वाइट घर देख रहे हो ना, वाइट घर से थोड़ी और आगे है। ठीक है गाइस तो वाइट घर से थोड़ी और आगे है भाई, तो यार वीडियो में मुझे लगता है गाइस कि ये जो वीडियो है ये भाई बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट गाइस कोई बात नहीं, मैं आपको मड लोडर दिखा के रहूँगा। ठीक है गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी चल जाएगा, क्योंकि और भाई बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई आपने सबसे पहले जो जगह आपने बताई थी जहाँ पे सूरजमुखी के पौधे वगैरह थे, तो भाई देखो जो सूरजमुखी के पौधे हैं वो तो वैसे बहुत ही घने थे उस टाइम में, लेकिन गाइस यहाँ से हमने इसको पतले कर करके उगा दिया है फाइनली। एंड यहाँ पे देख सकते हो उसी के साइड वाला जो धान वाला खेत था गाइस वो रहा यह वाला खेत यार, ये जो खेत था ये धान वाला था यहाँ पे भी, लेकिन हमारा कल्टीवेटर वर्क नहीं करता है। गाइस ये आ गया वाइट घर और भाई यहाँ से अब हमको थोड़ा इधर जाना है, बाकी गाइस यहाँ से अब सीधे सीधे जाना है, तो जो है हम पहुँच जाएंगे अपने मड लोडर की वर्किंग प्लेस के पे, लेकिन गाइस वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो भाई जो है मड लोडर की वर्किंग प्लेस आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में गाइस, कोई नया इन्फॉर्मेशन को लेते हुए, तब तक के लिए गाइस तो भाई लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद जय भारत। बाकी आपको कहना चाहूँगा चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मैसेज कर दो, और भाई जो भी आपकी डिमांड है वो शेयर कर दो, मैं कल की वीडियो में या फिर जो भी आपकी डिमांड होगी उसको रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। ठीक है वीडियो लेके आ जाया करूँगा, तो भाई जाके फुल सपोर्ट करो और अपनी डिमांड भी जरूर बताओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।